कोरोना दे लगातार बढ़ते केसा ने चिंता बता दी है। पिछले 24 घंटे अंदर देश भर च रिकॉर्ड 20,139 नवे केस दर्ज किए गए ने। एक दिन दे विच 38 मरीजा ने दम भी तोड़िया है। पॉजिटिविटी दर भी लगातार बढ़ रही है। देश भर च पॉजिटिविटी दर 5% तो बढ़ चुकी है। मौजूदा समय च पॉजिटिविटी रेट 5.10% दर्ज किया गया। एक्टिव केस भी लगातार बढ़ रहे ने। देश भर च एक्टिव केसा की गिनती 1,36,000 के पार पहुंच चुकी है। हिमाचल कैबिनेट की अज अहम बैठक है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई च होने वाली बैठक च मानसून इजलास दी तरीकां नूं लैके मंथन हो सकता है। इस तों इलावा सूबे च वध रहे कोविड के वधदे मामलों नूं देखते हुए सख्ती वधाउण बारे भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट की मीटिंग दे विच कई होर अहम फैसलों ते भी मोहर लग सकती है। पंजाब दे नाल नाल हरियाणा च गैंगस्टरां वल्लों विधायकां नूं धमकियां दित्तियां जा रहियां ने। मामले नूं हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गंभीरता दे नाल लिया अते बकायदा पुलिस दे उच्च अधिकारियां नूं तलब कीता है। मुख्यमंत्री ने मामले दी विस्तार पूर्वक जानकारी लैण दे लई बैठक बुलाई अते तुरंत सख्त कार्रवाई करन दे निर्देश जारी कर दित्ते ने। इस मीटिंग दे विच हरियाणा दे गृह मंत्री अनिल विज वी शामिल होए। आजादी दे 75 साल पूरे होने ते आजादी का अमृत महोत्सव तहत भारत सरकार विशेष मुहिम चलाउण जा रही है, जिस दे तहत 18 साल तो वध उम्र दे लोकां नूं सरकारी टीकाकरण केंद्रां च मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी तीसरी डोज मिलेगी। 15 जुलाई तो देश च 15 तो लैके 59 साल दी उम्र तक दे लोक सरकारी टीकाकरण केंद्रां च कोविड वैक्सीन दी तीसरी खुराक लै सकणगे। इह काम 75 दिनां दी विशेष मुहिम तहत कीता जावेगा, जो कि 15 जुलाई तो शुरू हो सकता है। इह वड्डा फैसला मोदी कैबिनेट वालों लिया गया अते इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वालों दित्ती गई है। सो इट इज गोइंग टू बी लार्ज पॉपुलेशन विच विल बी गिवन बूस्टर डोज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम 15 जुलाई ऑनवर्ड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 75 डेज। सो एनीवन हु गेट्स द वैक्सीन द बूस्टर डोज वैक्सीन इन दोज 75 डेज वोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल रुपी ऑन दैट।